Fine. Those who have come from West Bengal board, they must pay special attention to today's topic, right? Because it is absolutely new to you. You people have not read. Okay, so let's start with that particular topic. We are starting from ICI ka book ka chapter 2 se. Second chapter. We will not do the first chapter right now because it's theoretical. Chapter 2 se start karega. This is uniform to everybody. Ye CMA bhi hai, CS mein bhi hai, CMA mein bhi hai, sab jan ka hai. The name of the topic chapter 2 mein. This is the name of the topic. Indifference curve. मेरे को लगता है दिस टॉपिक इज नॉट वेरी इजी यू हैव टू कीप अटेंशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्या क्या अपने लोग को पढ़ना है व्हाट डू वी हैव इन आवर कोर्स ऑफ दिस चैप्टर अपना सिलेबस में टॉपिक्स एक बार लिख लेते सारा चीज नहीं पढ़ सकेगा इसलिए टॉपिक लिस्ट लिख के रखते हैं नेक्स्ट डे वी कैन कवर अप द रेस्ट पहला वी हैव टू रीड एन इंट्रोडक्शन Introduction is about this word utility. Second, we will be reading assumptions, very, very important. Third, assumptions complete karne ke baad, definition. Plus, we will read an example, plus the graph of IC ka graph. Four, properties of IC. IC matlab samajh gaya to? This term is called IC. Even in exam paper, वो लोग आईसी वाला वर्ड यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिफरेंस कर्व दिस इज एन अलाउड सिंबल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का पढ़ना है टोटल सिक्स टॉपिक्स है फाइव बजट लाइन बोल के एक तो टॉपिक है एंड सिक्स कंज्यूमर्स Equilibrium. This word consumers equilibrium may be new to anybody if you have not read economics earlier. We will read what is equilibrium. Padhne se pehle. Is what ka matlab janne ka darkar hai. These are the things to do. So we start with ekdam shuru se. Utility, the introduction. What is utility? Utility matlab, that's right, want, or we can even say need, satisfying, power of a commodity. Ye teen to word very important. Need Satisfying power. Yeah, you can also say want satisfying power. अपने लोग कोई भी commodity demand करते हैं provided the commodity has a need satisfying power. अगर commodity का मान लीजिए need satisfying power नहीं है तो क्या commodity तुम demand करेगा No. तो definitely कोई भी commodity demand करते हैं that commodity must have a need or want satisfying
पावर. अगर वांट फुलफिल नहीं कर सकता, ह्यूमन वांट्स को फुलफिल अगर नहीं कर सकता, डेफिनेटली वो सामान अपने लोग कभी भी डिमांड नहीं करेगा. तो सामान के अंदर जो नीड फुलफिलिंग क्राइटेरिया होता है, वो नीड फुलफिलिंग क्राइटेरिया को बोलते हैं सामान का यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन. दैट इज द वी डेराइव कहां से, सामान को यूज करके. देखिएगा बहुत जन बोलता है सर सेटिस्फैक्शन मतलब जो चीज खाके मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला. हाँ, सेटिस्फैक्शन दो चीज से मिलता है, देखने से भी सेटिस्फैक्शन मिलता है. तुम लोग जो सोच के हंस रहा है वो हम नहीं बोला. सेटिस्फैक्शन यू कैन गेट नॉट ओनली बाय ईटिंग. इकोनॉमिक्स एक वर्ड का बात करते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं यू कंज्यूम थिंग्स. जब आप कंजम्पशन करते हो तो हमेशा खाने का मतलब कंजम्पशन नहीं है इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में अगर आपने लोग एसी का ठंडा हवा भी खाते हैं ना, तो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन. एसी थोड़ी खाते हैं, एसी का हवा खाते हैं. इकोनॉमिक्स कंजम्पशन मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन वर्ड का मतलब यूजिंग द कमोडिटी. आप अगर कमोडिटी को यूज कर रहे हो तो आप उसका यूटिलिटी को क्या करते हो, डिराइव करते हो. तो दैट यूटिलिटी इज सेटिस्फाइंग, यानी कि आपका नीड सेटिस्फाइंग करने का जो कैरेक्टर होता है, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड बेसिकली यूटिलिटी. किंतु नेक्स्ट लाइन लिखने से थोड़ा तकलीफ होगा. देखो कैसा, यूटिलिटी डज नॉट मीन दिस वर्ड यूजफुलनेस ऑफ द कॉमोडिटी. जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना यूटिलिटी, सेकंड लाइन पढ़ने से बहुत तकलीफ होता है. क्या तकलीफ सर, अगर कोई सामान का नीड सेटिस्फाइंग पावर है, दैट सामान मस्ट बी यूजफुल. नो, अगर कोई सामान का नीड सेटिस्फाइंग पावर है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो सामान यूजफुल होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जानते हैं, एग्जाम्पल को लिख के रखेगा नहीं तो बाद में भूल जाएगा दुर्गा पूजा के बाद. यूजफुलनेस, पहले देखेगा दिस कॉमोडिटी सिगरेट दारू. अरे बहुत जन पीता है, हंसता क्या है. पहले बोलेगा इस सिगरेट यूजफुल, तो गवर्नमेंट इतना प्रचार काय को कर रही है कि सिगरेट मत लीजिए, इट विल कॉज कैंसर. डेफिनेटली दिस कॉमोडिटी इज नॉट यूजफुल. हो सकता है, बैठो. तो दिस कॉमोडिटी डेफिनेटली सिगरेट इज नॉट ए यूजफुल कॉमोडिटी. किंतु पहले बताओ, जो इंसान स्मोक करते, इफ इट डजेंट गेट अ सिगरेट, वो मर जाएगा. पहले बताओ, डू यू एक्सपेक्ट दिस? यस. तो टू ए स्मोकर सिगरेट हैज अ नीड सैटिस्फाइंग पावर, बट डेफिनेटली सिगरेट इज नॉट ए यूजफुल कॉमोडिटी. इसका मतलब इकोनॉमिक्स जब यूटिलिटी का बात करते हैं, इकोनॉमिक्स कभी भी अच्छा की खराब ये सब चीज का बात नहीं करते. इकोनॉमिक्स बोलता है अगर तुम्हारे एक कॉमोडिटी तुम्हारा नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, तो दैट कॉमोडिटी हैज यूटिलिटी. वो कॉमोडिटी यूजफुल है कि नॉट यूजफुल, दैट इज नॉट इकोनॉमिक्स का कंसर्न. इट्स नॉट द कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिक्स. जैसे दारू पी के पियक्कल लोग तो दारू पिएगा, उसका अगर दारू नहीं देगा तो वो मार ही देगा तुमको, बिकॉज दारू से उनको क्या मिलता है, यूटिलिटी. इट हैज नीड सेटिस्फाइंग पावर. किंतु एज सच देखिएगा, टू एनी सोसाइटी वाइन हैज नो बेसिक यूटिलिटी. इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है. तो देयरफॉर यूजफुलनेस वर्ड यूटिलिटी नहीं है. कोई बोल सकते सर आप ये बोले काय को, इसलिए बोले एमसीक्यूज में ना यू हैव टू टैकल दिस वर्ड. इवन वो लोग एमसीक्यूज का क्वेश्चन ऐसे देते हैं, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मींस, ऑप्शन ए दिया, वांट और नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. ऑप्शन बी दिया, यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी. ऑप्शन सी दिया, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. That means the answer is over here, kali A. Because utility, apne log equal to diya ki not equal to diya? Not equal to. Isko matlab utility ka matlab? Usefulness nahi hai. The utility is not, it is different from usefulness. Fine. Ye concept of utility ko para change karke likhega.
ये कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी को आप लोग दो तरीके से पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में. यूटिलिटी ऐसे आप लोग एक तो फ्लो चार्ट करके लिखेगा, छोटा करके फ्लो चार्ट करके यू कैन राइट टू लाइन्स, टेक टू टू फोर लाइन्स एंड यू कैन राइट इट आउट ऐसे करके. कार्डिनल वन कंसेप्ट एंड इसका ऑपोजिट कंसेप्ट ऑर्डिनल, दो थ्योरी है यूटिलिटी का. कार्डिनल के लिए यू कीप टू लाइन्स, ऑर्डिनल के लिए भी आप दो लाइन रखो. दिस यूटिलिटी को दो तरीके से अपने लोग बेसिकली कार्डिनल ऑर्डिनल बीच में एक वर्ड लिख सकता है. बेसिकली दिस वर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट. आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो दो तरीके से, वन कार्डिनल यूटिलिटी, टू ऑर्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी ये कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय मार्शल. क्वेश्चन दे सकता है, अंडरलाइन करके रखेगा, कौन प्रपाउंड किया था? अल्फ्रेड मार्शल. मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्डिनल, कार्डिनल वर्ड का मतलब इक्वल टू देके लिखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्डिनल? यूटिलिटी मेजरेबल, मेजरेबल न्यूमेरिकली, नंबर से मेजर कर सकते. ये वर्ड अंडरलाइन करके रखेगा, न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल मतलब कैसे जानते हैं? न्यूमेरिकल मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स, जिसको मैथ वाला लोग क्या बोलते हैं देखेगा, दे यूज टू कॉल दिस नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा नेचुरल नंबर अप टू एन. तो आप नेचुरल नंबर से यूटिलिटी को मेजर करते हो और नेचुरल नंबर्स को अपने लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स. 1, 2, 3, 4 दिस आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स. और ये कार्डिनल नंबर से अपने लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते. कैसे? एक एग्जांपल दे रहे, ए स्टूडेंट टू कैन आइसक्रीम, आइसक्रीम खा के उसको सेटिस्फेक्शन मिला 20 रुपया का. 20 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला मतलब ऐसा बात नहीं है कि वो 20 रुपया दाम दिया, वो सोच रहा है मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला 20 रुपया. अगर वो दूसरा आइसक्रीम लेता तो सोचता कि दो आइसक्रीम खाएगा, नहीं दो आइसक्रीम नहीं खाएगा. तो ऐसे बार्गेनिंग का सेंस आता है, एक आइसक्रीम कितना? 20 रुपया. दो लेंगे 30 रुपया में देगा, यानी कि पहला के लिए दूंगा 20 किंतु सेकंड के लिए दूंगा 10 रुपया. सेकंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज गिविंग यू लेसर सेटिस्फेक्शन. तो मैं सेटिस्फेक्शन को रुपया के टर्म से मेजर करता हूं. इसमें देखेगा फुचका वाला के पास ना हमेशा बनता है लास्ट वाला. बनता किस बात की है देखेगा, पहले पूछता है 10 रुपया में कितना देंगे, बोलता है 6. पहले ही गाली देगा, नहीं 7 तो चाहिए. वो तो कभी राजी नहीं होगा, फिक्स्ड है 6 ही देगा. उसके बाद बोलेगा 6 तो खाने के बाद ना सूखा वाला कौन देगा, तेरा डैश. बोले नहीं हम ही देंगे. यानी कि वो जो सूखा वाला बनता है तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता. यानी कि 10 रुपया में 7 चाहिए मेरे को. तो ये जो 10 रुपया में मेरे को 7 चाहिए, इसके 7 खाने का मेरा सेटिस्फेक्शन इज 10 रुपीज. अगर मैं 10 रुपीज का एक एक्स्ट्रा लिया मैंने, दाम किंतु 6 ही वो फुलफिल किया था. बेसिकली देखोगे न्यूमेरिकल मतलब हमने सब चीज का यूटिलिटी को मेजर कर रहा है न्यूमेरिकल कंसेप्ट से. एक पर्टिकुलर मैंगो खा के कोई बोल सकता है सर एक मैंगो खा के मेरे को 5 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला, एक मैंगो खा के मेरे को 10 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला. तो ये जो सेटिस्फेक्शन तुम न्यूमेरिकली 10 की 5 की 18 की 20 की 6 ये जो नंबर से मेजर कर रहा है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट कंसेप्ट? कार्डिनल कंसेप्ट. किंतु कभी कभी ऑर्डिनल वाला, ऑर्डिनल वाला इज प्रोपाउंडेड बाई हिक्स, जे आर हिक्स. हिक्स और इसका एक चमचा था एलन. हिक्स और एलन दोनों जन मिलके, पूछा भी है बहुत बार, कौन प्रोपाउंड किया ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी? हिक्स. हिक्स और एलन, हिक्स इज द मेन प्रोपागेंडिस्ट ऑर्डिनल थ्योरी. हिक्स ने प्रोपागेंड किया, हिक्स ने पहली बार बोला, ये मार्शल के बाद आया, मार्शल पुराना वाला है. तो इन्होंने हिक्स और एलन बोला नो यूटिलिटी, ये क्या बोला देखो, यूटिलिटी नॉट डायरेक्ट बोला, नॉट मेजरेबल. आप मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को. बोलता देन व्हाट यू कैन डू? राइट, यूटिलिटी नॉट मेजरेबल बट
कैन बी एक तो वर्ड यूज किया था ऑर्डर, ऑर्डर कर सकता है स्लैश, तुम लोग जो वर्ड यूज किया वो भी लिखते रैंक, ऑर्डरिंग कर सकता है या रैंकिंग कर सकता है, बोलते ऑर्डरिंग या रैंकिंग का मतलब एग्जाम्पल, पहले बोला था कि एप्पल खा के तुमको सेटिस्फेक्शन मिला सपोज से 10 रुपया का, एक मैंगो खा के तुमको सेटिस्फेक्शन मिला 5 रुपया का, यानी कि तुम क्या समझाने की प्रयास किए, एप्पल इज प्रोवाइडिंग मी मोर मोर सेटिस्फेक्शन मोर यूटिलिटी, मैंगोज आर प्रोवाइडिंग मी लेसर सेटिस्फेक्शन, राइट, यानी कि 5 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला, ज्यादा कम। तो हिक्स बोला नहीं ऐसा बोल नहीं सकते, 10 और 5 कितना बोल सकते, एप्पल इज बेटर देन मैंगोज, तो एप्पल्स को वी कैन पुट रैंक 1, अच्छा लगा, मैंगोज को वी कैन पुट रैंक 2, तो क्या किया ऑर्डरिंग, जब तुम ऑर्डरिंग किया देन दैट्स कॉल्ड ऑर्डर वर्ड आया द वर्ड ऑर्डिनल थ्योरी, दैट मीन्स एक थ्योरी बोलता है यूटिलिटी को माप नहीं सकते न्यूमेरिकल की तरह 10 रुपया 5 रुपया एक्सेट्रा, एक थ्योरी बोलता है अपने लोग रैंकिंग कर सकता है, बोल सकता है यहां का अच्छा उधर का खराब, जैसे देखेगा फुचका खाने के समय कभी कभी ऐसा होता है जोरा बागान का फुचका खाया बहुत अच्छा, एमजी रोड वाला फुचका है खराब, कोई दोस्त पूछा तो उसको बोला जोरा बागान से खाएगा यहां से मत खाना, इसका मतलब वो वाला अच्छा, किंतु तुम कभी ऐसा बोलता है जोरा बागान का फुचका मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया 100 रुपया का, इधर का मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला 40 का, अब तो डिसाइड कर ले कहां खाएगा, यह पगलेट पंथी का बात हो गया, ऐसे रुपया या नंबर से नहीं मेजर करते, दैट्स व्हाई मोर इंपॉर्टेंट थ्योरीज इज विच थ्योरी, देखो ऑर्डिनल, ऑर्डिनल थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इंपॉर्टेंट मोर सोफिस्टिकेटेड थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, दिस इज लेटेस्ट वर्जन, इसलिए कार्डिनल वाला ये जो ऊपर वाला वर्जन है ये चला गया अपने लोग के एक रास्ता विच इज कॉल्ड, जो लोग इको पढ़ा है दे नोस LDMU, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब कोई बच्चा लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ता है दे आर ऑन द थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजरेबल, किंतु जब कोई बच्चा लोग इंडिफरेंस का थ्योरी पढ़ेगा इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल, यानी कि ऑर्डिनल का रास्ता चला गया आईसी का थ्योरी, इसको मतलब आज अपने लोग आईसी का थ्योरी में जब चलेंगे आज का टॉपिक लिस्ट में क्या पढ़ना है इंडिफरेंस का, इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक लिस्ट ख्याल रखना है इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इज इट ऑल राइट, ओके। तो देखो यहां इंट्रोडक्शन पार्ट से पॉसिबल एमसीक्यू क्या क्या दे सकता है, 1 यूटिलिटी का डेफिनेशन, दैट इज 1 एमसीक्यू, सेकेंड एमसीक्यू यूटिलिटी कितने तरीके से मापते हैं अपने लोग, अपना सिलेबस इज कन्फाइंड टू ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, बट देयर इज अनदर 1 यूटिलिटी थ्योरी which is called revealed preference, वो अपना सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग का अगर क्वेश्चन आया तो इट शुड बी ओनली कार्डिनल ऑर्डिनल, दीज आर दी टू थ्योरीज, कार्डिनल वर्ड का मेन वर्ड इज न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकली मेजर कर सकता है, LDMU किसके ऊपर बेस्ड है कार्डिनल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ऑर्डिनल थ्योरी किसके ऊपर है आईसी अप्रोच, यानी कि इंडिफरेंस का जब भी पढ़ना है यू हैव टू बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है, दीज आर दी पॉसिबल थिंग्स दैट दे कैन आस्क बेस्ड ऑन दीज, अपने लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेगा, पैरा चेंज कर लेगा, टॉपिक लिस्ट भी देख लेगा एक बार, एजम्पशंस, Assumptions word का meaning is basically जो लोग first time echo पढ़ रहा है they must be knowing this is the meaning of the word assumption, conditions, conditions मतलब तुम लोग ये word often use करता है when you purchase any commodity, देखिएगा दुकानदार तुमको बोल देता है आपका commodity में warranty है, आपका commodity का warranty valid होगा अगर terms and conditions आप फॉलो करते हो, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करेगा तो आपका वारंटी इनवैलिड, क्या ऐसा बोलता है कि नहीं, तो आपका कंडीशन देता है सेल्समैन बिक्री करने के समय, ठीक इस तरह से इंडिफरेंस कप पढ़ने के लिए बच्चा लोग को हमेशा समझ में आना चाहिए कि इंडिफरेंस कप में कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस में आप लोग इंडिफरेंस कप पढ़ सकते हैं, अगर ये कंडीशंस में से कोई कंडीशन अगर फुलफिल्ड नहीं हुआ then indifference का theory cannot be explained from any angle,
it will fail. इसलिए assumption what का main word is what? Conditions. क्या क्या conditions से अपने लोग indifference का पड़ेगा? Several conditions are there. There are 2-3 big words. Number one, consumer is rational. This is the most important word. Consumer rational है. Rational word का मतलब you can say the consumer is sensible. पगलेट नहीं है जिसको उसको बोलते हैं rational. जो पगलेट होता है उसको बोलते हैं irrational. अच्छा consumer पहले बोलेगा क्या कर रहा है? Ordering कर रहा है कि ranking कर रहा है? Ordering ranking कर रहा है. तो ordering ranking कर रहा है मतलब he is sensible कि insensible? Sensible person. तो अपने लोग first assume किया consumer rational. Consumer मतलब the person deriving satisfaction. That person, utility deriving person. Second, utility cannot be measured. Cannot be measured. Equal to the key, you can write down. Therefore, this word. Kya theory? Ordinal theory. यानी कि इंडिफरेंस कर्व वी कैन रीड बेस्ड ऑन कौन सा थ्योरी? ऑर्डिनल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल थ्योरी. थर्ड, कंज्यूमर हैविंग ओनली टू कॉमोडिटीज. क्या क्या कॉमोडिटीज? कॉमोडिटीज को COMM लिखा खाली. Only two commodities, X and Y. यानि कि indifference curve का theory पढ़ सकते, अगर consumer is having केवल two goods. Suppose मान लीजिए कोई consumer एक तो commodity consume कर रहा है. तो कोई बोलेगा sir indifference curve theory पढ़ सकते? ना. कोई बोलेगा sir indifference curve theory पढ़ सकते if the consumer is consuming three goods? No. That means this is applicable only in case of two commodities. But consumer in real life can consume more than two commodities. तो अगर एक साथ मान लो तीन commodities ले रहा है, you indifference का theory cannot be applicable. तो it is applicable only in case of how many goods? Two goods. X good, Y good. Four. The fourth assumption is consumer behaves consistently this can be a new word consumer behaves consistently consistent word ka ek to synonym word likhte equal to tum log likh ke rakhega consistent word ka matlab transitive behavior transitive behavior this word is important ICI ka book is using this word transitive kintu maine question mein consistent word bhi dekha hai both the words absolutely means same aur ek word bhi use karte this word is also called did anybody remembered it starts with M monotonic monotonic preference pattern monotonic preference pattern bombard word hai tino word difficult mere ko to aisa lagta hai tino word difficult pehla word is consistent dusra word transitive tisra word monotonic preference ye tino word mein se koi word use kare meaning is same pehle ek bar maan समझते कंसिस्टेंट वर्ड कंज्यूमर बिहेव्स कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब एक एग्जांपल देते एग्जांपल को डोंट राइट पे अटेंशन सपोज एक तो कॉमोडिटी बंडल है बंडल बंडल मतलब ए बंच ऑफ टू गुड्स एक्स एक तो है वाई एक तो है सर्टेन यूनिट ऑफ एक्स सर्टेन यूनिट ऑफ गुड वाई कॉमोडिटी बंडल सपोज से ए ए में एक सेक्टर कॉमोडिटी है से सपोज 5 यूनिट्स ऑफ एक्स है और वाई है सपोज से 4 यूनिट्स कंज्यूमर एक्स 5 यूनिट खाया वाई भी 4 यूनिट खाया
खाने के बाद उसको क्या मिलेगा, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कितना सेटिस्फेक्शन मिला वो आपने दिमाग में नोट डाउन कर लिया, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद बेचारा बी भी खाया, बी खाने में एक्स इक्वल टू समथिंग है, वाई इक्वल टू समथिंग है, चेंज है कॉम्बिनेशन, सेम यूनिट नहीं है, तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा कि डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो बी भी खाया, सी कॉम्बिनेशन ए भी खाया, एक्स इक्वल टू समथिंग, वाई इक्वल टू समथिंग। ये तीनों बंडल खाने के बाद जो बंदे का बात कर रहे हैं अपने लोग, वो देखा बी इज बेटर देन ए, उसको बी कॉम्बिनेशन ए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया, बेटर लगा। और उन्होंने ये भी देखा सी बेटर देन बी, यानी कि वो रैंकिंग किया, उसको लगा बी ए से बेटर और उसको लगा सी बी से भी बेटर। तो किसको रैंक वन देगा, सी को रैंक वन देगा, रैंक टू बी को, सबसे खराब ए, ए सबसे खराब। इसका मतलब अगर उसको लगा कि बी इज बेटर देन ए, अगर उसको लगा सी इज बेटर देन बी, तो कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब उसको डेफिनेटली सी ए से अच्छा लगेगा। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट मतलब उसका बिहेवियरल पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सपोज मान लो अगर ये बंदा बोलता ऐसा, कैसा बोलता, सपोज मान लेते वो बोलता मेरे को बी ए से बेटर लगा यूटिलिटी, मेरे को सी बी से भी बेटर लगा, किंतु मेरे को सी ए से खराब लग रहा है। हंसने का कारण है, वो सोचेगा ये पगलेट है, क्योंकि अगर तुम उसको बोला कि बी ए से बेटर और फिर इसको बोला कि सी बी से भी बेटर, तो यू मस्ट टेल सी ए से भी बेटर। अगर आप बोलते हो सी ए से खराब लगा मेरे को, देन योर बिहेवियर इज इनकंसिस्टेंट। दैट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अगर रैशनल है तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कंसिस्टेंट बिहेवियर इज फॉलोड फ्रॉम रैशनल बिहेवियर। ओके, कोई अगर रैशनली बिहेव करेगा तो उसका बिहेवियर इज डेफिनेटली कंसिस्टेंट। अच्छा, हम इसको चेंज कर रहे हैं, तुम लोग सुन के बोलेगा तो कंसिस्टेंट बिहेवियर की नहीं, इज दिस कंसिस्टेंट बिहेवियर, बी ए से बराबर लगा बेटा को, दोनों खाया, खाने के बाद देखा कि बी से भी मेरे को जितना सेटिस्फेक्शन मिला यूटिलिटी, ए से भी उतना ही मिला, और उन्होंने देखा कि बी सी से भी बराबर हो तो सकता ही है, तो सपोज बी, तो कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब सी मस्ट बी इक्वल टू ए, देन दिस बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट बिहेवियर। कंसिस्टेंट बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियरियल पैटर्न में देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस, इट शुड फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न। इसे रिकॉल आपका तीसरा वर्ड क्या लिखा है अपने लोग, व्हाट इज द थर्ड वर्ड, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक प्रेफरेंस पैटर्न मतलब आपका प्रेफरेंस पैटर्न इज फॉलोइंग ए डेफिनेट ट्रेंड, पाथ, एक पाथ फॉलो कर रहा है, तो दैट्स व्हाट इट्स ऑफन कॉल्ड, इस नेम से भी बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस पैटर्न। क्या आपको समझ में आया, तो वी प्रोसीड टू नंबर 5। तुम लोग इसको लिख के रखना चाहते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन टेक 1 मिनट ऑफ टाइम एंड राइट इट डाउन, आई एम वेटिंग। ये वाला भी लिख के रखेगा C greater than A, ये वाला भी लिख के रखेगा C equal to A, दो ठो अलग अलग लाइन में।
Okay, we remove this page. Number 5, consumer is never fully satisfied. ये बहुत आजकल के जमाने में बहुत अच्छा वर्ड है. कंज्यूमर इज नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड. इक्वल टू देखे लिख रहा है, ही ऑलवेज वांट्स मोर. और दो, ही ऑलवेज वन मोर, नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड. इसको एक टेक्निकल वर्ड से बोलते हैं. Right, the word is very important word, non. Those who have read ECO, they know this term, non-satiety. That's the word. Non-satiety word ka matlab? Satiety word, satiety, this word came from the word saturation. Dekhega, apne log bolte the, saturated, super saturated, under saturated. तो saturated मतलब fully satisfied. तो satiety what came from the word saturated. Non satiety मतलब consumer is never fully satisfied. Consumer always wants more. यानी कि definitely जिस commodity bundle में ज्यादा units होगा, that we predicted कि he will get more satisfaction from that commodity bundle. तो आप लोग देखो क्या बोलेगा नॉन सटाइटी वर्ड का मतलब. ये मेरे साथ साथ लिख सकता है. वन एग्जांपल, ए एक्स इक्वल टू, आपने लोग पहले लिया था 5 यूनिट्स, वाई इक्वल टू लिया था 4 यूनिट, और इसके साइड में लिखा बी एक्स इक्वल टू 5 यूनिट, वाई इक्वल टू 5 यूनिट. कंज्यूमर कौन सा बंडल प्रेफर करेगा? बी प्रेफर करेगा. देयरफॉर आई कैन पुट दिस साइन, बी इज बेटर देन ए, ए इज लेस देन B. That means ranking list के मुताबिक मैं इधर B को order number 1 दूंगा और A को order number 2. That is the behavioral pattern. Non-satiety word का मतलब. Right? तो we came across 5 word. एक बार recall कर लेते हैं. The first word is, तुम लोग अपना copy follow रखेगा, rationality. The second word, ordinal. Third word, 2 and only 2. एक भी नहीं चलेगा, तीन भी नहीं चलेगा. चार वर्ड कंसिस्टेंट. फिफ्थ वर्ड नॉन सटाइटी. एंड द लास्ट वर्ड, छह नंबर को अभी पढ़ेगा नहीं, जस्ट लिख के रखेगा. द लास्ट वर्ड इज डी एम आर एस, बिकॉज वी आर राइट नाउ नॉट इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. जो लोग पहली बार लिख रहा है शुड राइट डाउन द फुल फॉर्म, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है. डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये बाद में समझेंगे. तो आप लोग जब भी आईसी पढ़ेगा, 6 वर्ड के ऊपर बेस करके, द लास्ट वर्ड इज डीएमआरएस. ड्यू है, अभी तक समझे नहीं, ठीक है. We go to the next part. Definition. Para change कर लेगा, topic list भी देख लेगा. Definition. Indifference curve is a graphical representation of all possible
all possible combination of two goods x comma y from which a particular consumer gets same level of utility or satisfaction. इस डेफिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सेम, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन. ये डेफिनेशन को समझने के लिए तुम लोग एक बार अपने मन में पढ़ लेगा डेफिनेशन को लिखने के बाद. आईसी से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब अपने लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा टू ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन अपने लोग कितना गुड्स का लिया, दो गुड्स का. एक तो गुड का नाम दिया एक्स नेसेसरी, वाई लग्जरी. दो गुड का रोटी कपड़ा फूड क्लोथिंग दोनों ही नेसेसरी भी ले सकते. फ्रॉम विच ए पर्टिकुलर कंज्यूमर, एक जन का हिसाब हो रहा है यहां पे. वन पर्टिकुलर कंज्यूमर गेट्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन. इसको समझने के लिए ना एक बार क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते. लेट्स राइट एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल एक टेबल फॉर्मेट में लिखेगा. टेबल में रोज और कॉलम्स एक बार देख लो कितना कितना है, हाउ मेनी. फर्स्ट इज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला कॉलम थोड़ा सा ज्यादा जगह रखिए. रोज अपने लोग चार ठो लिख रहे, कैप्शन को लेके पांच. पहला वाला कॉलम का हेडिंग दे दिया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस, चार कॉम्बिनेशंस लिया. ए एक टू कॉम्बिनेशन, बी एक टू कॉम्बिनेशन, सी एक टू कॉम्बिनेशन, डी एक टू कॉम्बिनेशन. हर कॉम्बिनेशन में कितना कॉमोडिटीज है, दो कॉमोडिटीज. पहला कॉलम में हेडिंग दिया क्यू एक्स. क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स, एक्स कमोडिटी का क्वांटिटी. यहां पे लिखा क्यू वाई जो पहली बार लिख रहा है, किंतु वो लोग ख्याल रखेगा क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, क्यू वाई मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड वाई. ये दोनों कॉलम या छोटा करके एक तो एरो देके लिख के रखेगा आपने लोग, किंतु ये दोनों कॉलम का फिगर को एज्यूम करके लिया, एज्यूम करके लिख रहा है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. सपोज से वन, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई 12, टू सिक्स, थ्री फोर, और फोर थ्री. कॉम्बिनेशन सी में एक्स कितना यूनिट्स है, थ्री यूनिट्स. कॉम्बिनेशन ए में वाई कितना यूनिट्स है, 12 यूनिट्स. इसका मतलब कॉम्बिनेशन डी में एक्स है 4 यूनिट, वाई है 3 यूनिट्स. तो ये चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज लिया है कौन, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर. और कंज्यूमर लेने के बाद इन्होंने सेटिस्फैक्शन डिराइव किया, कितना सेटिस्फैक्शन डिफरेंट चारों कॉम्बिनेशन से इनको मिला. तो ये कॉम्बिनेशन को क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ में प्लॉट किया. ये कॉलम का भी ब्लैंक छोड़िए, छोड़ने के बाद एक तो ग्राफ ड्रॉ करके इसको प्लॉट कर रहा है. पहला ग्राफ ऊपर का टेबल देख के प्लॉट कर रहा है, नीचे में लिखेगा ग्राफ. ग्राफ का हेडिंग देखे एक तो वाई एक्सिस और एक तो एक्स एक्सिस. जो लोग फर्स्ट टाइम इको पढ़ रहा है दे मस्ट बी नोटिंग वन थिंग, इको में
आपने लोग का सीए फाउंडेशन का सिलेबस में जितना ग्राफ बनाने को है, वी विल हैव ओनली टू क्वाड्रेंट्स ग्राफ में. देखेगा जो लोग पहले इको का भी नहीं पढ़ा, वो लोग ग्राफ में जानता है कि देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट वन लगेगा इको में, क्वाड्रेंट फोर लगेगा इको में. फोर कौन सा वाला को बोलते हैं जानते है? एक्स एक्सिस के नीचे वाला, राइट साइड. ऑलराइट, हमेशा ये दो क्वाड्रेंट लगता है. सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट कभी नहीं लगता इको में, जनरली एकदम यूज नहीं होता. अपना सीए फाउंडेशन का सिलेबस में तो यूज नहीं है, हायर इकोनॉमिक्स में लग सकता है. फाइन, तो देयरफॉर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमेशा दो एक्सिस में क्या क्या मेजर करेगा. ये चैप्टर शुरू हो रहा है, पहली बार ग्राफ बना रहा हूं चैप्टर में, तो ये चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा, मेक इट ए पॉइंट, तब तक अपने लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यही चीज मेजर करना है, चेंज नहीं होगा. क्या क्या चीज मेजर करते हैं देख लो एक बार. क्यू एक्स, क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. और वाई एक्सिस में क्या मेजर करेगा, देखो क्यू वाई, क्यू वाई मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड वाई. बहुत जन इको पढ़ा है, देखेगा हैव अ टेंडेंसी टू मेजर प्राइस. वाई एक्सिस में देखेगा अपने लोग जनरली प्राइस मेजर करते हैं ना, नहीं एकदम ना. इस चैप्टर में हमेशा क्यू एक्स एक्स एक्सिस में, हमेशा क्यू वाई वाई एक्सिस में. जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक अपने लोग ये चलेगा ये ड्रॉइंग में, हमेशा ख्याल रखिएगा. किंतु ऑब्जेक्टिव में वेरी डेंजरस, ऑब्जेक्टिव में ना एक्सिस पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव का कोई ठिकाना नहीं होता है क्या पूछेगा. इसे देखेगा एक्सिस में तुम क्या मेजर किए, वो भी पूछ सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. तो एक्स एक्सिस में क्यू एक्स, वाई एक्सिस में ऑलवेज क्यू वाई. तो देखो ऊपर का वैल्यू देखेगा एक्स एक्सिस वाला, आपका वैल्यूज है देखो 1, 2, 3, 4. आप लोग चार वैल्यू को स्केलिंग कर लिया नीटली, 1, 2, 3, 4. वाई एक्सिस में ऊपर का टेबल देखो तुम लोग, हाईएस्ट वैल्यू इज 12, लोएस्ट वैल्यू इज 3. तो क्या करेगा, तीन तीन करके स्केलिंग कर लेते पहले, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. ऊपर में नोटिस करेगा 9 है नहीं किंतु 4 है, तो अपने लोग 9 लिया. 4 को किधर प्लॉट करेगा, 3 के थोड़ा सा हल्का ऊपर में अप्रोक्सीमेटली दिस पॉइंट, किंतु स्केल को अपने लोग यूनिफॉर्म रखा है. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए को प्लॉट कर रहा है, ए का कोऑर्डिनेट एक बार ऊपर में देखेगा, 1, कितना है 12. तो 1, 12 मतलब 1 पहले अपने लोग को एक्स एक्सिस की तरफ गिनना है और वाई एक्सिस की तरफ गिनेगा कितना 12. मेरे को पहला पॉइंट मिल गया, ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन ए. पहले बोलेगा सब जन को समझ में आया ए कॉम्बिनेशन कैसे प्लॉट किया. सेकंड बी कॉम्बिनेशन, 2 के करेस्पॉन्डिंग 6 अप्रोक्सीमेटली दिस पॉइंट बी. नेक्स्ट देखो सी, 3 के करेस्पॉन्डिंग 4 दिस पॉइंट सी, और 4 के करेस्पॉन्डिंग 3 और थोड़ा सा हल्का डाउन, दिस इज द पॉइंट डी. तो मेरे को ये चार पॉइंट मिला. अब ये चार पॉइंट को आप लोग क्या करेगा, फ्री हैंड एक स्केच से ज्वाइन कर देगा पेंसिल से. तो फ्री हैंड अगर ज्वाइन कर दिया, वी ऑब्टेन्ड अ कर्व लाइक एक स्मूथ कर्व, ऐसा एक तो ग्राफ मिला मेरे को. देखो पहले डिड वी ऑब्टेन्ड ए ग्राफ, एक ग्राफ मिला मेरे को. ये जो ग्राफ मेरे को मिला, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व ग्राफ, आईसी ग्राफ भी बोल सकते हैं, दिस इज एन इंडिफरेंस कर्व. इसका मतलब इस ग्राफ का पॉइंट ए में, पॉइंट बी में, पॉइंट सी में या पॉइंट डी में या और भी कोई डिफरेंट पॉइंट से अगर गया होगा, तो ये सारे पॉइंट्स में कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड ऑलवेज बी इक्वल. अगर एक कंज्यूमर के लिए आपने लोग ऐसा कोई ग्राफ बना सकता है, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस कर्व. इनडिफरेंस, पहला वर्ड नोटिस किया, आई स्टैंडिंग फॉर वॉट, इनडिफरेंस. इनडिफरेंस मतलब डिफरेंस है कि नहीं है, नहीं है, इनडिफरेंस, नॉट डिफरेंट. तो नॉट डिफरेंट मतलब क्या बोलेगा, सेम, दैट मींस यू आर हैविंग सेम सेटिस्फैक्शन अलोंग दिस ग्राफ. इसलिए इस ग्राफ को अपने लोग क्या नाम से बोलते हैं, देखो आई सी बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व. ऑन द एंड ऑफ द ग्राफ अपने लोग लिखा, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एन इनडिफरेंस कर्व. इज इट ऑल राइट. आप ऊपर का डेफिनेशन पढ़ते हैं, सी द डेफिनेशन जो ऊपर में लिखा है विद द ग्राफ ऑफ योर एक्सरसाइज कॉपी. देखो द फर्स्ट डेफिनेशन, आई सी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. पहले बोलेगा इज इट ए ग्राफ, यस इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. क्या चीज का,
ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कितने गुड्स का? टू गुड्स का. क्या क्या? एक्स और वाई. जिस कॉम्बिनेशन से द कंज्यूमर इज ऑलवेज हैविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर उस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट पे है कंज्यूमर, द कंज्यूमर इज ऑलवेज हैविंग सेम डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन. ऐसा कोई ग्राफ अगर बना सकता है, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस, नॉट डिफरेंट. क्या? देयरफॉर सेम, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी. दैट्स व्हाई इसको कभी कभी ना एक डिफरेंट वर्ड भी है, लीक के रखेगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफन, ये वर्ड बोलते हैं इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में इट्स एन इंग्लिश वर्ड, आईसो. राइट, इट्स कॉल्ड आईसो यूटिलिटी. आईसो यूटिलिटी कर्व. आईसो यूटिलिटी मतलब क्या जानते हैं? आईसो यूटिलिटी मतलब, आईसो वर्ड का मतलब रेड पेन से लिख के रखते हैं. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज इक्वल. आईसो यूटिलिटी कर्व, इक्वल यूटिलिटी कर्व. यानी कि इस ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट में आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑलवेज इक्वल, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ग्राफ. ओके, इसके बाद प्रॉपर्टीज. आप लोग को ये कॉलम बाकी है, क्या क्या ड्यू है देखो आज के क्लास में. डीएमआरएस समझे नहीं आप लोग, ये कॉलम ब्लैंक है. खाली आईसी का ग्राफ कैसे बनता है वो खाली देखा है. राइट, नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर्टीज. हेडिंग देते, टॉपिक लिस्ट का नेक्स्ट हेडिंग देगा प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज किसका? प्रॉपर्टीज आईसी का. खूब क्वेश्चन देता है प्रॉपर्टीज से. प्रॉपर्टीज स्टार टॉपिक, स्टार लगा के रखते, इट इज अ स्टार. प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, पहला प्रॉपर्टी. जो लोग इको अभी तक पढ़ के आया ना, हम भी पढ़ा है, बताते हैं. इको में ना आपने लोग हमेशा प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, देयर आर ओनली फोर प्रॉपर्टीज, जो भी है चार ही प्रॉपर्टी है. आपने लोग ये पढ़े, हम भी पढ़े, चार ही प्रॉपर्टी है हम लोग जब पहली बार सीखे थे. किंतु आईसीआई अपना किताब में लिखा है पांच प्रॉपर्टी, एक पैदा किया वो बेहुदा प्रॉपर्टी, किंतु अपने लोग को पढ़ना है पांच. वो लोग लिख के रखा है, माने वो लोग क्वेश्चन देगा. ये एक तो अच्छा गुण भी है. क्या चीज का गुण बताते? हमारे बुक में पांच लिखा हुआ है, पांच ही होता है, ये मानता भी है. ये अच्छा बात है. गलत बोला, ठीक है गलत, वही राइट है. चलो ये तो बात है, एक तो पॉइंट है. देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस एंड यू विल बी फाइंडिंग दिस. ये देखेगा आगे जाएगा, बहुत बार ऐसा होगा, दे हैव ड्रॉन समथिंग एकदम गलत अपना बुक में, किंतु गलत ही है वही सही है, वही अपने लोग पढ़ेगा. तुम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, दैट इज ए गुड थिंग. हाँ, अपने बुक में जैसा लिखा अपने लोग को ऐसा पड़ेगा. किंतु ये लोग बोलता है पांच प्रॉपर्टी है, पांचों प्रॉपर्टी पढ़ना है, किंतु पांच नंबर प्रॉपर्टी लिखने के बाद देखेगा बेहुदा है, ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं. लिखने के समय समझ में आएगा, आज हो सकता है पहुंच सकेगा तो बहुत अच्छा बात, नहीं पहुंच पाएगा तो नेक्स्ट लिखेंगे. प्रॉपर्टीज आईसी का पहला प्रॉपर्टी, आईसी ऑलवेज. ऑलवेज लिखने का मतलब जानते हैं, थोड़ा जोड़ लगाते हमेशा. आईसी ऑलवेज डैश स्लोपिंग, करेक्ट, फ्रॉम डैश टू डैश. देखो द फर्स्ट वर्ड इज डाउनवर्ड. पहले बोलेगा फोटो ऐसा ही बता रहा है, तो इट्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम बाया टू डाइना, लेफ्ट टू राइट. नहीं क्यों बोला जानते हैं? बहुत है ऐसा एमसीक्यू का ऑल्टरनेटिव में मैंने ऐसा वर्ड देखा, आई सी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तुम लोग सुना हम क्या बोले? राइट, आई सी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. एक्चुअली किंतु गलत बोला, आप देखो करेक्ट बोल रहा है. आई सी ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मिनट मिनट में कंफ्यूजन हो जाएगा. ये देखो पहला क्या बोले थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दूसरा क्या वर्ड बोला? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, गलत बोला. तीसरा फिर करेक्ट बोला,
upward rising from right to left. सही बोला, क्या नोटिस किया? कितना बच्चा लोग काम देखे कॉपी चेकिंग करने के समय, ये कॉपी चेकिंग कर रहा है, ये देखे डाउन, आई सी डाउनवर्ड स्लोपिंग, आई सी डाउनवर्ड स्लोपिंग दिमाग में बैठ गया, ये तो वाइटल प्रॉपर्टी है। लास्ट में देखा नहीं बेटा, मोचर दे दिया, लास्ट का दो वर्ड इधर उधर कर दिया, गलत हो गया। उसके बाद बेटा बाहर आया, बाहर आने के बाद बोल रहे, बाहर आने के बाद बोला अरे ये तो गलत हो गया। तुमको 100% तुमको कॉन्फिडेंस है, यू हैव 100% कॉन्फिडेंस, हम मान लेते हैं 100% कॉन्फिडेंस है, लास्ट वर्ड तक पड़ेगा, ये लोग लास्ट वर्ड में भी एक तो खोचा दे देगा। अब तुम समझ गया कि हम ठीक ही करें, क्या क्वेश्चन देता है जानते हैं? Which of the following is incorrect? और इनकरेक्ट बोला मतलब ये करेक्ट इनकरेक्ट, Which of the following is correct? Which of the following is incorrect? बहुत ऐसा सवाल देता है एमसीक्यू में, तुम 100% कॉन्फिडेंट है, हमको आता है, फिर भी माई सजेशन पूरा पढ़ेगा लाइन को, पूरा पढ़ने के बाद टिक लगाएगा, नेगेटिव मार्किंग है बेटा, करेक्ट आंसर से कट गया एक तो नंबर, वहां डेंजरस है ये, बहुत ही डेंजरस बात है। जो भी है ये चीज ख्याल रखना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम इस वर्ड, इसलिए दो ठो अंडरलाइन करके रखेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट्स लेफ्ट टू राइट शुड बी हाईलाइटेड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपने लोग रीजन पढ़ लेते व्हाई ऐसा क्यों होगा, रीजंस, पहला रीजन, पहला रीजन, मैथ्स का स्टूडेंट्स को रीजन अच्छा समझ में आ जाता है, ये देखो क्यू एक्स तुमने इंक्रीज किया, इंक्रीज को मैंने ऊपर की तरफ एरो दिया, एक बार टेबल देखेगा तुम लोग ऊपर का, आई एम शोइंग इट ऑन द स्क्रीन, आप देखो क्यू एक्स का वैल्यूज को तुमने बढ़ाया कि घटाया, इंक्रीज किया, देखो इंक्रीज किया मैंने क्यू एक्स का वैल्यूज को, नोटिस किया, पहले वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर एक्स इज इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर वाई को तुमने क्या किया, डिक्रीज किया, देखो एक्स को बढ़ाया किंतु वाई को डिक्रीज किया, डिक्रीज्ड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ही, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ही व्हाट स्लोप होगा, देखो नेगेटिवली स्लोप्ड। मैथ्स का स्टूडेंट्स जानता है कि जब एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा वेरिएबल घटता है, द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा हमेशा, ये स्टूडेंट्स लोग जानते हैं, जो लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं डीवाई डी एक्स नेगेटिव मतलब डेफिनेटली देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो इधर इकोनॉमिक्स में हमेशा जान के रखेगा इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा कमेगा, जो लोग इको पढ़ा है वो लोग खूब अच्छा जानता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कमेगा, प्राइस कमेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, तुमने डिमांड कर्व को कैसा ड्रॉ किया था, डाउनवर्ड की अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो इधर प्राइस के बदले दूसरा वेरिएबल है, वेरिएबल दूसरा हो सकता है किंतु रिलेशन इज इनवर्स, इनवर्स रिलेशन मतलब ही डाउनवर्ड होगा द आंसर, इज इट ऑल राइट, ये नेगेटिवली स्लोप। किंतु ऐसा आपको इसलिए करना पड़ेगा, एक साथ ज्यादा लोगे y को इसलिए कम लेना पड़ेगा, हम रेड पेन से लिख रहे, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सैटिस्फैक्शन, टू कीप सैटिस्फैक्शन क्या रखना है आपको, सेम आईसी कर के ऊपर आपका सैटिस्फैक्शन क्या है, सेम है, हम ब्लॉक कर दिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट राइट, You have to keep your satisfaction same. इसलिए तुम x को बढ़ाओगे तो y को तुमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, राइट right? पहले हम एक तो सेंटेंस बोलेगा, तुम लोग इसको लिखते लिखते सुनो, हम एक सेंटेंस बोलेगा, दैट सेंटेंस पहले बोलेगा राइट की रॉन्ग, येस नो, आफ्टर दैट अगर बोलेगा नो तो वाई नो, येस तो वाई येस, एंड आई वॉन्ट आंसर टेक्निकली, आज का क्लास का कुछ वर्ड्स यूज करेगा, आर यू रेडी? अगर मैंने x ज्यादा लिया y को कम नहीं किए, my satisfaction will increase. I had no, I had yes. I repeat,
I increased my demand for X without reducing the demand for Y. My satisfaction will increase. Yes, it is correct sentence. Yes, the answer is right. It is a correct sentence. X ko maine increase kiya, Y ko maine ghataya nahi. Pahle bhi jitna liya tha, abhi bhi utna hi liya. To mera satisfaction badh jayega. Aaj ke class mein ek aisa kuch word use kiya jiske chalte. Very good. Non-satiety. Non-satiety word use kiya aaj ke class mein ki nahi. Non-satiety matlab consumer always wants more. To maine bola X chada liya. He got X more. Y ko kya kiya? Kam nahi kiya. To uska satisfaction level kya hona chahiye? बढ़ना चाहिए. किस लिए बढ़ना चाहिए? Because आपने लोग condition क्या रखे हैं? Non satiety. The consumer is never fully satisfied. किंतु तुमने IC का definition में क्या बोला? उसका satisfaction हमेशा क्या होना चाहिए? Same रहना चाहिए. तो अगर आप X को ज़्यादा करोगे, Y को definitely तुमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा. नहीं तो foul करेगा. आपका condition. क्या understood? Therefore, inverse relation तभी आ रहा है. Inverse relation जैसे आएगा, आपका slope कैसा होगा? Downward sloping. ठीक है? ये line से किंतु question दिया है बहुत बार. Along an indifference curve, question सुनिए. Along an indifference curve, a consumer increases his demand for one good, reducing his demand for other good. To keep option A, satisfaction same. आपका सेटिस्फेक्शन को क्या रखना है? सेम रखना है. दैट मींस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. नेगेटिव स्लोप का मतलब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मस्ट ऑलवेज बी इक्वल. दैट इज अ वेरी की वर्ड. ये गया एक नंबर रीजन. द सेकंड रीजन, क्यू एक्स आपने ज्यादा किया, क्यू वाई को आपने कम करोगे. ड्यू टू डैश टू वर्ड्स. Due to limited resources, correct. And the resources in this is income. आपके income क्या है? Limited कि unlimited? Limited. तो एक good आप ज़्यादा लोगे, उसका पैसा आपके पास किधर से आएगा? आपको दूसरा good कम लेना पड़ेगा. तो वो कम का पैसा आप use करोगे इसका ज़्यादा लेने में. क्योंकि you have assumed that the income of the consumer is remaining constant. So there are two reasons why I see downward sloping. One, satisfaction must be kept same. Two, resources limited, income is limited. So apne log ko ye janne ka darkar hai, downward sloping ka main reason ye do tho. Over is the first property. Second property. Property 2 अच्छा नहीं है सर्किट के लिए. IC, yes, is convex. इस वर्ड जानते हैं? Not good for health. Convex to origin. It is always convex to origin. अच्छा, convex to origin किस लिए? देखो, why it is convex to origin? Right. अच्छा, एक बार बोलेगा ये वर्ड का ड्राइंग, पहले बोलेगा ऐसा हुआ कि नहीं. दिस इज द ड्राइंग. दिस शेप इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. इसका ऑपोजिट वर्ड कॉनकेव. कॉनकेव मतलब आपका ग्राफ ऐसा होगा. इजंट इट? दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, रेड वाला. एंड ऑब्वियसली द ब्लू लाइन इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. आईसी कभी ऐसा नहीं होगा. आईसी शुड ऑलवेज बी कॉन्वेक्स. व्हाई? इसको समझने के लिए वी हैव टू डिफाइन आउट दिस टर्म. एमआरएस, पहले फुल फॉर्म बोलेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू, एक बार डिफाइन करते हैं, व्हाट इज दिस? आप रिकॉल करो अपना एजम्पशन नंबर 6 को समझा रहा है. पहले नोटिस किया तुम लोग? उसमें क्या लिखा हुआ था? देख लीजिए, डीएमआरएस. यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले एमआरएस तब डी. तो पहले एमआरएस, व्हाट इज एमआरएस? MRS for a commodity X. Commodity से पकड़ पकड़ के बोलते हैं. MRS for a commodity X is the amount of commodity Y that
a consumer is ready to sacrifice, for one extra unit of commodities, comma, such that satisfaction remains equal. Ye very important underline kar dega. Red pen se, such that satisfaction remains equal. Likhne ke baad ek baar apne se padhiye. MRS for a commodity X is the amount of commodity Y. कितना यूनिट ऑफ वाई मैं छोड़ दूंगा. सैक्रिफाइस मतलब लेना है कि छोड़ देना है. छोड़ना है. रेडी टू सैक्रिफाइस किस लिए? टू गेट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स. एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स पाने के लिए मैं कितना वाई छोड़ेंगे? कैसे छोड़ेंगे? सच दैट माई सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स द सेम अलॉन्ग एन आईसी. आईसी के ऊपर मेरा सेटिस्फैक्शन हमेशा सेम रहता है. राइट, दैट इज द टर्म आउट. ओके, ये टर्म को क्या करते हैं एक बार समझते हैं बाय एन एग्जांपल. पुराना पेज में चलते हैं. यू ऑल ऑल्सो कम बैक टू द लास्ट पेज. सी द लास्ट पेज. एक कॉलम ब्लैंक छोड़े अपने लोग. नोटिस किया टेबल का? इसमें लिखते एमआरएस. एमआरएस ब्रैकेट में लिखा गुड एक्स. गुड एक्स का एमआरएस कैलकुलेट करते हैं. पहले जिसको लगता है हम पहली बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, दे मस्ट पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. पहले समझ लो फिर कॉपी करेगा. देखो पहला वाला डैश, सेकंड वाला. वन से टू एक्स को तुमने कितना यूनिट बनाया? एक यूनिट बनाया. ए कॉम्बिनेशन में एक्स कितना ले रहा था? एक यूनिट. बी कॉम्बिनेशन में एक्स कितना लिया? दो यूनिट. कितना बढ़ाया? एक यूनिट बढ़ाया. एक यूनिट एक्स बढ़ाने के लिए तुमने कितना यूनिट वाई गिव अप किया? छह यूनिट गिव अप किया. तो देखो यहां पे द रेशियो शुड बी 6:1. छह वाई आई हैव टू गिव अप टू गेट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स. ये 6:1 मतलब मेरे को ये 6:1 कैसे मिला? देखो खूब माइन्यूटली नोटिस करेगा. पहले डोंट राइट इफ यू आर लिटिल पेइंग अटेंशन. 6 - 12 डिवाइडेड बाई 2 - 1. ये लिखने से ना बहुत जन बोलता है सर नेगेटिव, सर नेगेटिव. हाँ सही. तो हमारा सब समय नेगेटिव होता है. नेगेटिव कब होते हैं? देखो नेगेटिव तभी होता है व्हेन यू गिव अप. गिव अप मतलब आपके पास है कि आपसे चले गया, चला गया आपसे. तो आपसे चले गए मतलब यू आर सैक्रिफाइसिंग. तो सैक्रिफाइसिंग मतलब तुम उसको क्या बोलेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव. इसलिए एमआरएस का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है. किंतु देखेगा इको जो लोग पढ़ के आया वो लोग डेफिनेटली एक चीज पढ़ के आया. इको में आप लोग कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लेते, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर करते. इलास्टिसिटी में भी किया था, सब जगह किया था, एवरीवेयर. देयरफॉर यहां पे भी आप लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करेगा. ऑल्दो इट शुड ऑलवेज कम नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव किस लिए? बिकॉज यू आर गिविंग अप, छोड़ रहे हो तुम. छोड़ने का मतलब ही नेगेटिव, आपसे चला गया. तो देयरफॉर दिस बिकम 6:1 इक्वल टू, देखो दिस इज, वी कैन राइट डेल्टा वाई. व्हाट इज डेल्टा? चेंज, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय, नीचे में देखो क्या लिख सकता है, चेंज इन एक्स. दैट मींस चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स. दैट इज द फॉर्मूला फॉर एमआरएस ऑफ व्हिच गुड? गुड एक्स. नाउ यू कैन कॉपी इट आउट द फर्स्ट वन. अगर कॉपी कर लिया मेरे को सेकंड वाला का रेशियो बताएगा. ओके टू होल क्लास. 2:1 इज इट राइट? 2:1. एक बार हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन पे. देखो 4 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2. एम आई करेक्ट? ये अगेन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. एंड लास्ट वाला देखो 1:1. यानी कि देखो एक बार पहला वैल्यू कितना है? 6. दूसरा वैल्यू कितना है? देखो 2. तीसरा वैल्यू कितना है? 1. व्हाट हैपेंड टू योर एमआरएस? इज योर एमआरएस फॉलिंग की राइजिंग? फॉलिंग. एजम्पशन 6 अपने मन में पढ़ो.
अजम्पशन छह अपने मन में पढ़िए। एमआरएस क्या हुआ, फॉल किया कि राइस किया, फॉल किया। तुमने अजम्पशन का पहला वर्ड क्या लिखा था, डी। व्हाट इज डी स्टैंडिंग फॉर, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा। एमआरएस यहां पे क्या हुआ, कमेगा, कम हो रहा है। कम होने का मतलब ही द ग्राफ शुड बी कॉन्वेक्स। किस लिए कॉन्वेक्स, एक बार बताते हैं, एग्जाम्पल से ग्राफ में जाना है। पहले बोलेगा एग्जाम्पल सब जन को समझ में आया कि नहीं, इज इट ऑल राइट। तो हम लोग जहां पे लिख रहे थे वहीं पे एक बच्चा चल के लिखते हैं फिर से। कम टू दिस पेज। इस पेज में आने के बाद यू नोटिस करो एमआरएस का फॉर्मूला, एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और जो लोग मैथ पढ़ा है उन लोग को मालूम है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। मैथ वाला लोग से पूछते हैं व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड, स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। जिसका मैथ नहीं था वो लोग जानेगा होता है, इसको स्लोप बोलते हैं, राइट right. इसको बोलते हैं स्लोप, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज कॉल्ड स्लोप। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ IC, IC का स्लोप, यानी कि IC का स्लोप को ही अपने लोग बोलते हैं MRS। इसको ब्लॉक करके रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ IC इज कॉल्ड MRS। IC का स्लोप को अपने लोग बोलते हैं MRS। इज इट ऑल राइट, ओके okay? हम चाहते एक बार सबजन पुराना वाला पेज में वन सेकेंड जाएगा, हम इधर करके दिखा रहे हैं। तुम लोग नहीं करेगा, अपने ड्राइंग को खराब नहीं करना है। देखो हम एक बार इधर ड्राइंग करके दिखा रहे, सी इट आउट। देखो अगर तुम बी पॉइंट इस पॉइंट पे या बी पॉइंट पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करेगा, ये सब मैथ्स का स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समझ में आता है। अगर पॉइंट इधर पे स्लोप कैलकुलेट करेगा तो मैथ्स का बच्चा लोग बोलता है सर इधर अपने लोग को एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट का जितना स्लोप होता है दैट इज द स्लोप एट दैट पॉइंट। अगर अपने लोग को पॉइंट सी में इधर में सर अगर स्लोप कैलकुलेट करना है तो हैव टू ड्रॉ अगेन ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और वो टेंजेंट का जितना स्लोप होगा दैट इज द स्लोप एट दैट पॉइंट। ये मैथ्स बोलता है। पहले तुम लोग बोलेगा ये ऊपर वाला पॉइंट, सपोज मान लो इस पॉइंट को ई दिया और ये लास्ट वाला पॉइंट को डी बोला, दिस पॉइंट इज डी, डी लिखा हुआ है, तो ई पॉइंट पे हम जो बोल रहे हैं करेक्ट कि नहीं, देखो ई पॉइंट पे द टेंजेंट इज स्टीपर, डी पॉइंट पे द टेंजेंट इज फ्लैटर। व्हिच वन इज अ फ्लैटर टेंजेंट, डी वाला, स्टीपर टेंजेंट ई वाला। दैट मींस ई का स्लोप ज्यादा, डी का स्लोप कम। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट मींस आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर आओगे तो आपका स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, और स्लोप आज के क्लास में बोला इज इक्वल टू एमआरएस। तो स्लोप कम हो रहा है इसका मतलब एमआरएस भी क्या होगा, कम हो रहा है। एमआरएस अगर कम हो रहा है तो आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों, देखो अगर ये कर्व कॉन्वेक्स नहीं, अगर ये कर्व होता सपोज मान लेते हैं कॉनकेव, ऐसा होता, कॉनकेव इज दिस शेप। देखो यहां क्या होता, इफ यू हैव ड्रॉन ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट दिस टेंजेंट इज फ्लैटर, एंड इफ यू वुड हैव ड्रॉन ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट आपका टेंजेंट क्या होता, देखो स्टीपर। कितना चमत्कार दिखा, माने तुम ग्राफ का पिक्चर को, खाली ग्राफ को क्या किया, इसे पकड़ के उल्टा कर दिया। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गया कि सेम है, बदल गया। दैट मीन्स कॉन्वेक्स से अगर कॉनकेव हो गया वो हो जाएगा इंक्रीजिंग एमआरएस, किंतु तुमने assumption में क्या लिखा था, diminishing की rising, diminishing। तो diminishing मतलब आपका shape concave होगा या it should be convex, convex। तो that's why it is convex। यहाँ बहुत mathematics था, mathematics आने से हमको तो लगता है डर लगता है, mathematics is always difficult। किंतु इसको ना mathematics से जानने के अलावा एक सेकंड, आप लोग इसको eco का logic से भी समझ सकते हो, का लॉजिक से भी बाद में समझेंगे, किंतु वो मैथमेटिकल लाइन अपने लोग को लिख के रखना है क्योंकि दे विल सेट क्वेश्चंस ऑन द मैथमेटिकल लाइन। ठीक है, तो अपने लोग लिख के रखते हैं, चार लाइन तुमको याद रखना है। फर्स्ट लाइन लिखते हैं इधर रेड पेन से लिखते, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लाइन, व्हेन एमआरएस डिक्रीजेस आईसी मस्ट बी must be convex, convex to origin।
ये लाइन बहुत बार क्वेश्चन दिया, एम आर एस फॉल तो आईसी का शेप कॉन्वेक्स। आपने लोग का एजम्पशन में क्या था, डिमिनिशिंग, इसलिए आपने लोग का आईसी हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स। सेकंड लाइन, चार लाइन लिखना है, व्हेन एम आर एस राइजेस राइजेस आईसी मस्ट बी व्हाट शुड बी द वर्ड, कॉनकेव। ख्याल रखेगा कॉनकेव टू ओरिजिन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैथ्स का स्टूडेंट से पूछ रहे, व्हेन एम आर एस एरो सीधा दिया मतलब कॉन्स्टेंट, बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, तो बोलेगा स्लोप क्या होगा, कॉन्स्टेंट, स्लोप विल नॉट चेंज। तो स्लोप अगर नॉट चेंज तो आईसी मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो देयर फोर आईसी मस्ट बी क्या लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अंडरलाइन करेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग को भी। फोटो ड्रॉ करते हैं, इसका फोटो कैसा होगा, देखो ये फोटो ड्रॉइंग करेगा, ये ऐसा होगा क्यू एक्स क्यू वाई, आपका आईसी ऐसा हो जाएगा। पहले बोलेगा इज इट कॉन्वेक्स, नो, इज इट कॉनकेव, नो, इट इज कैसा लाइन, थोड़ा सा डिमांड कर्व की तरह देखने में सीधा लाइन, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कौन सा गुड में होता है जानते, दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ ना सिंगल कॉमोडिटी नहीं, देखो दिस हैपेंस इन केस ऑफ, लीक के रखेगा तुम लोग ये नाम, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है गुड्स तो ही ये इंटरफेरेंस का वैसा होगा, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड को तुम लोग और एक नाम से बोला है, दिस गुड इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजीनियस गुड। होमोजीनियस गुड मतलब द गुड इज आइडेंटिकल। पहले बोलेगा ऐसा गुड रियल लाइफ में होता है, होता है, होता है, कौन सा होता है, देखो एक बार एग्जांपल देते हैं, अपने लोग का घर में आता है राइट, अपने लोग का जो एलपीजी का गैस आता है जानता है घर में, कुकिंग गैस जिसको बोलते हैं, वो कुकिंग गैस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या होमोजेनियस। आई डोंट नो तुम लोग नोटिस किया कि नहीं, उसका बेटा सिलेंडर का वजन सेम, कभी सुना है? अच्छा पहले बताओ कितना जन बिक्री करता है इंडिया में, तीन जन, एक तो बिक्री करता है आईओसी जिसको तुम लोग बोलता है इंडेन, इंडेन का गैस होता है जानता है, तो और एक तो बिक्री करता है एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और एक तो भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम इज बीपी, ये लोग का तीन जन का अभी इंडिया में फिलहाल, अभी आएगा मुकेश बाबा तो उसका जिसे आएगा तो अलग बात, अभी फिलहाल तीन जन बिक्री कर रहा है। जब तीन जन बिक्री कर रहा है ये गैस, यू नो इन तीनों जन का दाम सेम, वजन सेम, कलर ऑफ द सिलेंडर सबका रेड, और एक तो सिलेंडर मिलता है ब्लू कलर, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन में, दैट्स कॉल्ड कमर्शियल, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक गैस का कलर इज सब्सिडाइज्ड, कम रेट में मिलता है, ये जानता है, तो सब्सिडाइज रेट में मिलता है डोमेस्टिक सिलेंडर। ये तीनों जो बिक्री करता है, इवन द एनवायरमेंट ऑफ सेलिंग इज ऑल्सो सेम। ऐसा बात नहीं है कि आईओसी का दुकान एसी है, एचपी का नॉन एसी है, इवन द एनवायरमेंट इज सेम। अगर एनवायरमेंट सेम है तो इसको क्या बोलेगा, व्हाट टाइप ऑफ गुड, होमोजेनियस गुड। अगर तुम एक्स एक्सिस में मेजर कर रहे हैं आईओसी का गैस और वाई एक्सिस में मेजर कर रहे एचपी का गैस सिलेंडर, और तुम इंडिफरेंस कप बनाने की प्रयास किए, तो आपका इंडिफरेंस कप का सारा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे होगा। व्हाई? बिकॉज दिस टू गुड्स आर व्हाट गुड, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक साल में क्वेश्चन दिया था फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और आइडेंटिकल गुड, व्हाट इज द शेप ऑफ द आईसी इंडिफरेंस कप, इट इज अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इस सिचुएशन में आपका एमआरएस हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। एमआरएस कॉन्स्टेंट किस लिए रहेगा, देखो अगर आप आईओसी का दो गैस छोड़ोगे, दो यूनिट, तो आपको एचपी का भी दो ही यूनिट ऑफ गैस को लेना पड़ेगा, है कि नहीं, राइट? तो दैट इज द रीजन आउट, ऐसा ऐसा द सिनेरियो इज, इट्स ऑल राइट, ओके। ख्याल रखिएगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दिस इज स्टार पॉइंट दिया है बहुत बार, और चौथा वाला और भी सुंदर,
चौथा वाला इज वेरी फैंटेस्टिक, मेरे को तो ऐसा ही लगता है. फोर्थ वाला इज व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट. ये वर्ड भी नया वर्ड टू यू पीपल, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. इवन जो लोग इको पढ़ा है उनके लिए भी नया वर्ड है ये, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट, आप लोग कौन सा वर्ड पढ़े जानते? कॉम्प्लीमेंटरी गुड. कॉम्प्लीमेंटरी गुड जूता मोजा और भी मोबाइल सिम ऐसा होता है, कार पेट्रोल, करेक्ट. तो व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आईसी कैसा होता है देखो, आईसी एल शेप्ड को और एक वर्ड से भी बोलते, कैन आई यूज दिस वर्ड, राइट एंगल्ड शेप्ड. एल शेप्ड को बोलते हैं राइट एंगल शेप्ड. अंडरलाइन करके रखेगा, आइदर एल शेप्ड और राइट एंगल शेप्ड. पहले बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा गुड को बोलते हैं पहले ये जानने का दरकार है. व्हाट इज ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एग्जांपल देते. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट तुम लोग ये लिख के रखेगा, दिस वर्ड यू इज न्यू टू यू पीपल. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ए पेयर ऑफ शूज, दोनों पैर का दो ठो जूता. हम कितना बार ऐसा ट्राई करके देखे दुकान में, मेरा किसी कारण से डाइना पैर का जूता पहले फट जाता है, कुछ भी कारण से हो तो हम ना बायां पैर का जूता चेंज नहीं करना चाहते. और हम कभी जीवन में ब्रांड चेंज नहीं करता जूता का, एक ही ब्रांड पहनते. हम ना जाके एक दिन पूछा था, बाटा का मोकासिनो का डाइना पैर का एक तो दीजिए, तो बायां पैर से मारा था मेरे को. पहले बताओ जूता कभी एक ठो बिक्री होता है? आज तक किसी इंसान को तुम लोग ऐसा बोलते हुए सुना, मेरे पास चार जूता है, दो जूता, इसका दाहिना पैर का दो ठो, उसका बायां पैर का दो ठो, कितना जूता है? चार जूता. आपने लोग हमेशा कितना बोलते? दो. दो जूता मतलब टू पेयर्स, ये बोलने का दरकार ही नहीं पड़ता. जूता का दो ठो पेयर इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यानी कि व्हाट आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, व्हेन ए गुड इज नेवर सोल्ड इन सिंगल क्वांटिटी. दो मोजा इज डेफिनेटली अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आपको कभी देखेगा एक मोजा बिक्री नहीं होता. दोनों हाथ का दो ठो ग्लव्स इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट? किंतु मोजा कभी देखेगा दाहिना पैर का बायां पैर समझ में नहीं आता. किंतु जूता तुम बेटा एक कदम चल नहीं सकेगा दाहिना पैर का बायां पैर में लेके. पहले बोलो फैक्ट्स की नहीं, इट्स फैक्ट. इसका मतलब दैट गुड इज कॉल्ड क्या गुड? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और देखेगा ये वाटा कॉम्प्लीमेंट गुड्स के लिए आपका ग्राफ का शेप कितना अद्भुत होता है. देखो कितना सुंदर ग्राफ बनेगा, देखेगा खूब सुंदर बनता है. देखो राइट, एक बार देखेगा ये नोटिस करेगा, नहीं महसूस करना है दिल से. हम एक एक्सिस में मेजर कर रहे हैं, एक एक्सिस में लिखा डाइना पैर का जूता, राइट शू, और लेफ्ट में लिखा इधर ऊपर में लेफ्ट शू, राइट. और जब लाइट शू और लेफ्ट शू लिखा, अपना आईसी का शेप देखो कैसा होगा, एल शेप्ड ऐसा होगा. आईसी किस लिए ऐसा होगा? देखो इस पॉइंट में ही तुम खाली ऑपरेट करेगा. ए पॉइंट में देखो हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. मेरे पास डाइना पैर का दो जूता है, बायां पैर का दो जूता है. ऐसा बोलते नहीं है, अपने पास दो ही जूता है, ऐसा ना बोलते है. सपोज मान लो तुम बैठा गया इस आईसी का पॉइंट बी में, खूब माइन्यूटली नोटिस करेगा इस आईसी का कौन सा पॉइंट में गया, पॉइंट बी में गया. जब पॉइंट बी में गया तुम्हारे पास डाइना पैर का चार जूता हुआ, बायां पैर का कितना है? दो ही है. पहले बताओ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा कि सेम ही रहेगा? कभी बढ़ेगा नहीं. कोलकाता का रास्ता में एक पागल भी बेटा डाइना और बायां पैर का अलग अलग जूता पहन के नहीं जाता. आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है कि डिफरेंट है? सेम है. और इन दैट केस आपका आईसी हमेशा कैसा होगा? एल शेप. और आप ऑपरेट किधर करोगे? राइट एट दिस पॉइंट. इसलिए देखोगे आपका नेक्स्ट आईसी कैसा होगा. देखो तो तुम लोग सोच पाता कि नहीं, आपका नेक्स्ट आईसी ऐसा होगा, हायर आईसी. इसका मतलब यू विल ऑपरेट नेक्स्ट एट दिस पॉइंट सी. इसका मतलब आपके पास डाइना पैर का भी तीन, बायां पैर का भी तीन. हाँ, तब मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा.
इसका मतलब व्हेन द गुड इज व्हाट गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट देन ओनली आपका आईसी का शेप कैसा होगा एल शेप्ड इज इट ऑल राइट दोनों पैर का गूगल सर्च मारेगा वहां का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किंतु मेरे को जूता वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा दैट एग्जाम्पल इज गाड़ी और उसका चार चक्का कभी आज तक सुना है गाड़ी बिक्री और है खाली बेटा चेसिस दिया गाड़ी का चक्का खोल लिया ऐसा अगर गाड़ी का दुकान में जाके बोलेगा मेरा पुराना गाड़ी का चार चक्का अच्छा है वही ब्रांड मेरे को चाहिए चक्का खोल लीजिए दो ठो ऐसा कभी नॉट पॉसिबल तो गाड़ी उसका चार चक्का इज डेफिनेटली व्हाट गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो आपका आईसी का शेप एल शेप्ड राइट एंगल्ड ये सोचेगा किंतु पॉइंट टू पॉइंट कैसा है व्हाट इज द बिहेवियर ये चार लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चार लाइन ख्याल रखिएगा वी रिकॉल द फोर लाइन्स एक बार देख लो तुम लोग एट ए ग्लांस एमआरएस फॉल करेगा तो आईसी क्या होगा कॉन्वेक्स एमआरएस अगर बढ़ेगा तो आईसी का शेप कॉनकेव एमआरएस अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो आईसी स्ट्रेट लाइन उस समय गुड्स का क्वालिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होमोजीनियस गुड अपने लोग यूज करते हैं और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर हुआ देन द आईसी इज ऑलवेज एल शेप्ड किंतु अपना एजम्पशन के मुताबिक Assumption के मुताबिक तीन केस नॉट पॉसिबल वी आर ओनली विद द फर्स्ट लाइन यानी कि आईसी का जनरल शेप इज कॉन्वेक्स ऑलवेज ये कॉन्वेक्स ही होता है ठीक है तो दैट इज द पॉइंट आउट इन दिस फोर केसेस ओके ये गया अपना दो नंबर पॉइंट इसका एक तो लाइन लिख के रख सकता है याद समझाएगा नहीं थोड़ा भारी पड़ेगा वी विल एक्सप्लेन इट नेक्स्ट क्लास नहीं क्यों किसने बोल रहा है डिफिकल्ट लाइन है इसको स्टार लगा के रखते हैं तुम लोग लिख के रखेगा आई विल एक्सप्लेन इट नेक्स्ट क्लास इट मे नॉट गो इन टू योर माइंड जस्ट नाउ इवन दो वी हैव टाइम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक डीएमआरएस फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम एल डी एम यू जिन लोग इको नहीं पढ़ा वो लोग लिख के रखेगा द मीनिंग ऑफ दिस लास्ट वर्ड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग Marginal utility, law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility. आज DMRS का मीनिंग आज के क्लास में लिख दिया करेक्ट तुम लोग ये जान के रखो नेक्स्ट क्लास इसको समझाएंगे हम DMRS किस लिए फॉलो होता है इट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम LDMU. दिस आई विल मेक इट नेक्स्ट क्लास बट टूडे विल प्रोसीड विथ द थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी थर्ड इज राइट टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर दिस इज इजी टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर कैसे देखो पहले ड्राइंग करते एक बार यहां पे QX यहां पे QY टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट पहला वाला आईसी ऐसा आईसी नंबर वन आईसी वन दिए और सेकंड वाला आईसी बेटा इंटरसेक्ट कराया आईसी नंबर टू पहले बोलेगा ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा नहीं होगा तब लोग प्रूफ करेगा कि ये गलत है इसका मतलब प्रूफ होगा कि कभी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए तो जो इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट का नाम दिया ए जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का लेवलिंग करेगा ए इंटरसेक्शन पॉइंट का और आईसी वन के ऊपर थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लेवल करेगा बी बी इज दिस पॉइंट आईसी वन में बी का कोऑर्डिनेट लेते सपोज से फोर और इधर वाई थ्री यूनिट्स ये कंस्ट्रक्शन करेगा और आईसी टू में देखो इधर ब्री के ठीक माथा के ऊपर एक तो और लिया सी इसका कोऑर्डिनेट अंदाज में लिख रहा है फाइव फोर अप्रोक्सीमेटली हो सकता है राइट अब हम इसके बाद कुछ कुछ सेंटेंस लिखेगा That will be correct. You all will tell me the reason for correctness. Reason. Tam pehla
लिख रहा है, करेक्ट लिख रहा है, ए इज इक्वल टू बी, ए में सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बी, टेल मी व्हाई। सेम आईसी, वेरी गुड, कौन सा आईसी में है, आईसी नंबर वन, एक ही आईसी के ऊपर सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम, आज जानते हैं अपने लोग, आज के क्लास में पढ़ा, आईसी के ऊपर सेटिस्फेक्शन हमेशा सेम होगा। अगेन ए इज इक्वल टू सी, आईसी टू अगेन सेम आईसी के ऊपर है, देखो आईसी वन के ऊपर था पहले, अभी कितना नंबर आईसी के ऊपर है, आईसी टू के ऊपर है, तो सेटिस्फेक्शन मस्ट बी सेम। ये दोनों अगर है तो डेफिनेटली बी शुड बी इक्वल टू सी। पहले बोलेगा व्हाई, वेरी गुड, इट इज बिकॉज ऑफ दैट वर्ड। देखो हम कौन सा वर्ड आज के क्लास में यूज किए, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, है, अजम्पशन में लिया था तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बोले थे अगर ए बी से बराबर है और ए अगर सी से भी बराबर है तो ऑब्वियसली बी और सी दोनों बराबर होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टूडे, क्या नाम से बोले थे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोग ट्रांजिटिव अजम्पशन मान के चल रहे, कंडीशन तो यह है, तो बी शुड बी इक्वल टू सी, किंतु देखो बट, बट सी इज ग्रेटर देन बी, किस लिए सी ग्रेटर देन बी, देखो व्हाई सी इज ग्रेटर देन बी, देखिए सी में तुम्हारा कॉम्बिनेशन देखो कितना कितना है, पांच और चार, इजंट इट, और बी में आपका कॉम्बिनेशन कितना है, चार कॉमा तीन, किस में ज्यादा है, सी में, और तुमने अजम्पशन में क्या लिखा, देखो व्हाट इज द वर्ड, आई एम राइटिंग इन रेड पेन, द वर्ड इज, ये ग्रेटर इसलिए होगा बिकॉज यू आर ऑल्सो विद अजम्पशन ऑफ क्या वर्ड, नॉन सेटाइटी, तुम हमेशा, तुमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, तो यू आर ऑलवेज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन, अगर आपको ज्यादा यूनिट्स है तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो देखो ये दोनों लाइन आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि दे आर सेम, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, तुम एक बार बोल रहा है बी इक्वल टू सी, एक बार बोल रहा है सर सी बी से ज्यादा, तो तुम पागल है इसका मतलब, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब ही टू आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इज इट ऑल राइट, देयरफॉर दिस इज द कंडीशन आउट। ये सब वर्ड ख्याल रखेगा, हम लिख देते रीजन साइड में, ए इक्वल टू बी किस लिए हुआ, सेम आईसी नंबर वन, ए इक्वल टू सी किस लिए हुआ, सेम आईसी टू, बी इक्वल टू सी किस लिए हुआ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के चलते, और सी ग्रेटर देन बी इसलिए हुआ नॉन सेटाइटी के चलते, देयरफॉर दिस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हम इसको कैसे लिखा, देखो इसको वन दिया, इसको टू दिया, नीचे में लिखा वन एंड टू कॉन्ट्राडिक्टिंग, वन एंड टू कॉन्ट्राडिक्टिंग, हेंस टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट, हेंस टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वन एंड टू कॉन्ट्राडिक्टिंग, हेंस टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट। ये गया थ्री, फोर, टोटल पांच है, हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। खूब डायग्राम है इस चैप्टर में, एक बार एक तो डायग्राम फिर से ड्रॉ करते, यहां पे क्यू एक्स, यहां पे क्यू वाई, आप देखो एक तो चीज तुम लोग नोटिस किया, तो सब समय में सेम थिंग मेजर कर रहे, तो ये पहला आईसी नाम दिया आईसी नंबर वन, ये सेकंड आईसी आईसी नंबर टू, ये तीसरा आईसी आईसी नंबर थ्री। तुम लोग नोटिस करेगा मेरा ड्राइंग देख के अपरेंटली लग रहा है कि दे आर पैरेलल, नोटिस किया, अपरेंटली लग रहा है किंतु, किंतु पैरेलल होगा ऐसा कोई
जरूरी नहीं है. स्टिल, बहुत इप्स एंड बट्स है, स्टिल दे विल नेवर इंटरसेक्ट. क्योंकि पैरेलल लाइन से तो हम लोग जानते क्या है कि दे नेवर इंटरसेक्ट. किंतु यहां पे पैरेलल ही होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है. किंतु स्टिल द टू आईसी विल नेवर एवर इंटरसेक्ट. ओके, तो यहां पे इंटरसेक्शन का भी नहीं करेगा. तो आपका ऊपर का राइटिंग के मुताबिक एक बार बोलेगा, आईसी थ्री इज गिविंग यू मोर सेटिस्फेक्शन, आईसी वन लोएस्ट सेटिस्फेक्शन, आईसी टू मीडियम सेटिस्फेक्शन. यानी कि हमेशा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करेगा. आईसी वन से आईसी टू, आईसी टू से आईसी थ्री, जितना हायर में जाओगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करेगा. कैसे इंक्रीज करेगा, देखो एक तो सीधा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, देखो तो एक बार, ये दोनों पॉइंट से, ये पॉइंट का लेवल किया ए, इस पॉइंट का लेवल किया बी. देखो ए पॉइंट में कोऑर्डिनेट हो सकता है 3, 5, तो बी पॉइंट में क्या बोल सकता है 4, 5, isn't it? आप देखो एक बार, ऑब्वियसली वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. देखिए इधर बी, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है, देखो 4, 5, और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट देखो हाउ मच इट इज, इट इज 3, 5. तो ऑब्वियसली बी इज ग्रेटर देन ए, एंड बी इज ऑन हायर आईसी की लोअर आईसी, हायर आईसी, तो ऑब्वियसली आईसी टू इज गिविंग यू मोर सेटिस्फेक्शन देन आईसी वन, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सा प्रॉपर्टी देखो, नॉन करेक्ट, नॉन सटाइटी, नॉन सटाइटी, यू ऑलवेज वॉन्ट मोर. तो देयर फोर बी इज गिविंग यू हायर सेटिस्फेक्शन देन ए, और बी इज ऑन हायर आईसी टू, एंड देयर फोर आईसी टू इज गिविंग यू मोर सेटिस्फेक्शन देन आईसी वन. सिमिलरली आप लोग प्रूव कर सकते हैं आईसी थ्री आईसी टू के से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. ये डायग्राम को अपने लोग एक नाम से बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आईसी मैप. ये डायग्राम को अपने लोग बोलते हैं आईसी मैप. लिख के रखेगा, आईसी मैप इज इक्वल टू ए सेट और ए सीरीज, ए सेट और ए सीरीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ए सेट और ए सीरीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एंड आईसी मैप. हम एक तो वर्ड नहीं बोला, तुम लोग किंतु अपने से कुछ कुछ नोट डाउन कर लेगा. हमने बोला कि आईसी दो ठो पैरेलल नहीं भी जा सकता है, बोला तो टू आईसी मे नॉट ऑलवेज मूव पैरेलल बट स्टिल दे विल नेवर इंटरसेक्ट. ये सब वर्ड हम किंतु लिखा नहीं, प्लीज नोट डाउन करके रखेगा ये सब, राइट? ओके, लास्ट प्रॉपर्टी. ये लाइन तुम लोग नोट डाउन किया, आई रिपीट, दो आईसी पैरेलल नहीं भी जा सकता है, स्टिल दे विल नेवर इंटरसेक्ट. ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, दिस इज न्यू टू एवरीबडी बट इट इज ए फैलेसी. आईसी नेवर intersect
coordinate access pluralika access x को भी टच नहीं करेगा, y को भी टच नहीं करेगा. इधर देखो, नेवर बोला अगर दो टो एक्सेस ड्रॉ किया, इधर में क्यू एक्स, इधर में क्यू वाई, यहां पे वाई एक्सिस को टच किया, यहां पे एक्स एक्सिस को टच किया, ऐसा कभी होगा नहीं. अगर ये टच किया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, देखो 5, 0, और इधर ये टच किया तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 5. एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू 0 होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर हुआ, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू रहेगा. अगर तुम इस पॉइंट का बात करते, ये वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस में टच किया, ए बोला अगर इसको, तो इधर 5, 0, इसको मतलब तुम कितना गोट ले रहा है, एक कमोडिटी की दो कमोडिटी, एक कमोडिटी, क्योंकि दूसरा कमोडिटी का डिमांड तुम्हारा कितना है, 0. यू हैव नॉट टेकन. एजम्पशन में आज क्या लिखा है, हाउ मेनी गुड्स यू मस्ट कंज्यूम, 2 गुड्स. तो एक गुड अगर 0 हो गया, देन हाउ मेनी गुड्स आर यू कंज्यूमिंग, 1 गुड. आंट यू वायलेटिंग योर कंडीशन? तो आपका आईसी कभी भी एक्सेस को टच करेगा, गिवेन द कंडीशन. गिवेन द कंडीशन आईसी कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा. सपोज मान लो अगर ये होता फूड और ये होता क्लोदिंग, आगे वाला लाइन और बोले, खाली खाना खा रहा है, कपड़ा नहीं पहन रहा है, खाली कपड़ा पहन रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता. दैट्स वाई आईसी विल नेवर टच एक्सेस. एक्सेस को कभी नहीं टच करेगा. किंतु ये एक इंस्टीट्यूट लिख रहा है, इसलिए आप लोग भी लिख के रखेगा, ठीक है? यहां तक रहने देते, विल नॉट डू एनीथिंग टुडे, लेट्स कॉल इट. एक बार पढ़ लेगा, किंतु जिसका इको में इंडिफरेंस का नहीं था, वो लोग किंतु डेफिनेटली आज एक बार घर में पढ़ लेगा, एटलीस्ट वांस, नहीं तो आउट ऑफ माइंड हो जाएगा. एक बार एटलीस्ट एट ए ग्लांस पढ़ लीजिएगा.